तो ये जीरो टेक्निक का ये जो थीम आपको कैसे आया? वो आप रोटी बनाती है, हाँ, आप देखो नहीं तो भी राउंड होती है, हाँ, ऐसी बात है। मतलब जब आदमी इंटेलिजेंट हो, एनालिटिकल माइंड हो, सर्जिकल्स की एक लेवल से ज्यादा हो, तो एक लेवल पे इनोवेशंस होते हैं कि भाई ऐसे करे तो बेहतर होगा, ऐसे करे तो बेहतर होगा। एक आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, सिंगापुर में यही क्वेश्चन मुझे पूछा था किसी का, तो मैंने क्या जवाब दिया वो मैं जवाब आपको देता हूँ। जब सर्जन सर्जरी सीखता है, जब सर्जन सर्जरी सीखता है और करता है शुरुआत में, तो वो सोचता है और करता है, इस थिंकिंग एंड डूइंग, ये करो नहीं करो, ये काटो नहीं काटो, तो वाइट ब्रेन सर्जरी बोलते हैं। वाइट ब्रेन इज अ थिंकिंग, तो आदमी एक सर्जरी करके भी थक जाता है, आदमी इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता है तो एफर्टलेसली सर्जरी करता है। अगर एनेस्थेटिस्ट किसी के साथ बात करता है तो डिस्टर्ब नहीं होता है, एफर्टलेसली करता है, लेकिन बीच बीच में उसको वाइट ब्रेन की जरूरत पड़ती है, किसी असिस्टेंट को भी पूछता है क्या कर, ये क्या लगता है। वो सेकंड लेवल, दुनिया के 90% प्लस सर्जन्स एंड देयर कैरियर एट ए सेकंड लेवल। थर्ड लेवल इज अ स्पाइनल रिफ्लेक्स लेवल। सर्जरी स्पाइनल रिफ्लेक्स से होती है, मतलब वो सोचना नहीं है, सोचना बिल्कुल नहीं है, सर्जरी हो जाती है, कर देते हैं, बाजू में म्यूजिक चलता है, बाजू में म्यूजिक चलता है, रोज तीन चार सर्जरी करेगा भी तो भी काफी थकेगा नहीं। 4-5% सर्जन रीच एट दिस लेवल। तो सर्जरी कहाँ गई? व्हाइट ब्रेन से ग्रे ब्रेन, ग्रे ब्रेन से स्पाइनल रिफ्लेक्स नीचे है। एक लाख में एक सर्जन, सर्जरी कम्स टू फिंगर्स, सर्जरी कम्स टू फिंगर्स एंड इट सीजेस टू बी साइंस एंड बिकम्स एन आर्ट। जैसे माइकल एंजेलो दौड़ता है तो वो कुछ सोच के नहीं दौड़ता है, वो ऐसे ही हाथ घूमता है और पेंटिंग हो जाता है। तो सर्जरी का जो ये लेवल है मैं जो बता रहा हूँ, वो लेवल पे आप पहुंचो देन यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। जो फोर्थ लेवल सर्जरी का है, जैसे व्हाइट ब्रेन टू ग्रे ब्रेन, ग्रे ब्रेन टू स्पाइनल रिफ्लेक्स एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स टू फिंगर्स, वो एक लाख में एक सर्जन पहुंचता है, और वहां जो पहुंचता है वो सर्जरी हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। एंड ये सर्जरी जो हो जाती है इज अ पीस ऑफ आर्ट एंड नॉट सर्जरी।